नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम ताज़ा खबर में आप सभी राजस्थान वासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को राजस्थान मौसम से जुड़ी इस चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान प्रदेश में 10 दिनों बाद फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट तथा कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। इसी के साथ में आपको बता दें, राजस्थान मौसम विभाग ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कई जिलों में बारिश के आसार जताए हैं, यानी कि रक्षाबंधन तक झमाझम बारिश के आसार यहां पर जताए गए हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून को लेकर फिर से अनुकूल स्थितियां बन रही हैं, जिसके कारण अगले 3-4 दिन बारिश होने की संभावनाएं हैं। विभाग ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, आपको बता देते हैं कि मानसून सक्रिय होने के कारण क्या हैं। मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा, झारखंड और आसपास के क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का सिस्टम आज कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में परिवर्तित हो चुका है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर व जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 20 और 21 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में 20, 21 और 22 अगस्त के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जोधपुर संभाग के जिलों में भी 20, 21 अगस्त के दौरान छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में लगभग 12 जिले आते हैं और 12 जिलों में अच्छी बरसात होने के संकेत मौसम विभाग के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक बैठती है या नहीं बैठती है। हम दोस्तों, जो भी अपडेट आती है वो ही आपको इस चैनल पर बताते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।